सो हेलो एवरीवन, सब कैसे हैं? होपफुली सब कुशल मंगल होंगे और अपना आईएएस बनने का जो सफ़र है बहुत अच्छे से आप कवर कर रहे होंगे और डेली कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे हमारे साथ और उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे होंगे अच्छे से। क्योंकि दोस्तों एक आईएएस बनने का सपना हर कोई देखता है, बट उसे पूरा करने के लिए जो डेडिकेशन है ना, वो कुछ एक में पूरी हो पाती है। रीज़न क्या है? ये एक बहुत लंबा सफ़र है जो निरंतर रेगुलर तौर पे हमें जारी रखना है। कभी गिरेंगे, चोट लगेगी, सब होगा, बट हमें उठना है, उन चीज़ों से ऊपर आना है ताकि हम एक ऑफिसर बन सकें, एक आईएएस ऑफिसर बन सकें। और इस राह में एक छोटी सी कठिनाई ना आपके सामने सीसेट लेके आया है, बिकॉज जो चेंज ऑफ ट्रेंड, चेंज ऑफ पैटर्न आया ना, उसने काफ़ी कुछ क्वेश्चन मार्क लगा दिए बच्चों के दिमाग पे कि कैसे सीसेट को जल्दी से जल्दी हम कवर करें और बिना किसी अपने जीएस के सब्जेक्ट की तैयारी को छेड़े बिना हम कैसे इसे कवर कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा आज के टाइम में क्वेश्चन मार्क है स्टूडेंट्स के दिमाग पे कि कैसे हाउ। इसी क्वेश्चन मार्क का आंसर अभिमन्यु आईएएस लेके आया है अर्ली सीसेट बैच के साथ। जैसे मैं बताऊँ आपको, छोटी झलकी दे दूँ आपको इस बैच की, बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी इनरोल हो चुके हैं और हो भी रहे हैं डे बाय डे, बट जो बच्चे अब तैयारी शुरू नहीं करेंगे या जो एग्ज़ाम के 2 से 3 महीने पहले तैयारी शुरू करेंगे, उतने में तो आपका सिलेबस भी पूरा अच्छे से नहीं हो पाएगा। वो तो क्रैश कोर्स की तरह हो गया, ठीक है, कि आपने अच्छे से उसको पढ़ना नहीं है। बट अगर आज आप अच्छे से तैयारी शुरू करते हैं आज के दिन से भी, तो काफ़ी कुछ आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आपको रिविज़न के लिए काफ़ी समय मिल जाएगा और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए भी। तो चलिए उस बैच में ऐसा खास क्या है मैं आपको बता दूं एक बार। चलिए देखो कोर्स की डिटेल्स क्या हैं। सबसे पहले जो टाइमिंग है वो ये, सबसे पहले इस कोर्स के बारे में बता दूं, ये एक ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों बैच में अवेलेबल है, मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन क्यों? अगर कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, कुछ काम पड़ गया, किसी रीज़न से आप नहीं देख पाए, तो उस लेक्चर की वीडियो रिकॉर्डिंग आपके पास पूरी तरह से अवेलेबल रहेगी स्टूडेंट्स, ठीक है। ये लिखा तो 3 से 4.5 है, बट ये जो 4.5 के बाद का आधा घंटा है वो डेली का डाउट होता है। आप पिछले किसी भी लेक्चर का डाउट पूछ सकते हैं या जो पिछला लेक्चर हुआ आपका, उसका आप डाउट पूछ सकते हैं। कम से कम 4 दिन ये क्लासेस रहती हैं आपके पास। टोटल आपको 180 प्लस डेडिकेटेड लेक्चर्स मिलने वाले हैं। सोचिए 180 लेक्चर्स, जिसमें कम से कम 1.5 घंटे का लेक्चर तो 1-1.5 घंटे का लेक्चर तो है ही, जिसके अंदर जो मैं आपको बता दूँ, जो लाइव आपका बैच चला हुआ है, जो भी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, उसमें 90 लेक्चर्स हैं आपके पास, जिसमें 50 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो खुद मैं करवा रहा हूँ, 25 लॉजिकल के और 15 इंग्लिश के लेक्चर हमारे पास अवेलेबल होंगे, ठीक है। अब आप सोचोगे सर 180 प्लस कैसे? देखो 90 लेक्चर ये तो आपको लाइव फॉर्मेट में विद इन द बैच मिल रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? प्रीवियस ईयर लेक्चर कितने मिलने वाले आपको? 15। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने मिलने वाले हैं सेशंस? 50 प्लस। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, वो होती है मेंटरशिप सेशन की, कि जब आपको लगे कि नहीं हो रहा तो उस टाइम कैसे अपने आप को उठाएं, एनर्जी कैसे लेके आएं, उसके लिए मेंटरशिप कितने? 30 प्लस सेशंस आपके पास। समझ आ गई बात? सो ये टोटल 180 प्लस लेक्चर्स हैं जो आपके पास आने वाले हैं इस बैच के अंदर। तो चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का हमारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जहाँ से एक धमाकेदार ज़बरदस्त क्वेश्चन आए और इसी को हम अच्छे से आज करने की कोशिश करेंगे 1 बाय 1 टॉप 5 सीरीज में, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 टुडेस क्लासेस। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 5 फ्रेंड्स सिट फॉर अ फोटोग्राफ ऑफ 5 चेयर इन अ रो? देखो सबसे पहली बात, 5 फ्रेंड्स होंगे, 5 नंबर्स होंगे, अलग बात है, 5 फ्रेंड्स होंगे अलग बात है, बिकॉज नंबर्स में रिपीटेशन हो सकती है, 1, 2, 2, 3, 4 समथिंग करके, बट फ्रेंड्स आर डेफिनेटली आइडेंटिकल होंगे, मतलब अलग अलग होंगे सारे, सॉरी आइडेंटिकल नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। इसका मतलब क्या होगा? 5 फ्रेंड्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, है ना, सारे अलग अलग होंगे। अब इस क्वेश्चन को बहुत बढ़िया तरीके से, आसानी तरीके से कैसे समझा जाए, सोचो। देखो मैं कह रहा हूँ ये चेयर नंबर 1 है, ये चेयर नंबर 2 है, ये चेयर नंबर 3 है, ये चेयर नंबर 4 है और चेयर नंबर क्या है? 5 है। देखो मेरे पास 5 फ्रेंड्स और सारे के सारे अलग अलग हैं। मैंने माना A, B, C, D, E 5 फ्रेंड है मेरे पास। मैंने माना A है, एक B है, एक C है, एक D और एक E है। 5 फ्रेंड्स हैं। देखो आप कहीं से भी शुरू कर लो, लेफ्ट से या राइट से। मैं शुरू करता हूँ इस तरीके से, हमेशा यहाँ से बड़ा आसान रहता है बिकॉज आपको एक नंबर दिखना शुरू हो जाता है फैक्टोरियल के केस में। सपोज करो मैंने चेयर नंबर 5 पे, अब मेरे पास क्या है, एक चेयर है, कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं उस पर, 5 पर्सन बैठ सकते हैं, यानी चेयर नंबर 5 पे मैं 5 में से किसी एक को बिठा सकता हूँ। तो मेरे पास पॉसिबिलिटी क्या होगी, 5 को बिठा सकते हैं। अब सपोज करो चेयर नंबर 5 पे इन 5 में से कोई एक व्यक्ति बैठ गया या कोई एक फ्रेंड बैठ गया, तो अब कितने नंबर ऑफ पर्सन बचे, 4। इसका मतलब नंबर सीट नंबर 4 पे कितने बैठ सकते हैं, 4। अब 3 के लिए कितने बचे, 3। यहाँ पे कितने बैठ सकते हैं, 2, और यहाँ पे कितना बैठ सकता है, 1। तो क्या लगा आपको, ये 5 फैक्टोरियल है। यस, मल्टीप्लाई कीजिए, 5 फैक्टोरियल कितना हो मेरे पास, 120। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि बिना किसी झंझट के आपको आराम से क्वेश्चन समझा सकूं, बिकॉज इस तरह का क्वेश्चन आपको और भी पूछा जा सकता है। सपोज करो वो कहता 5 फ्रेंड्स है, 3 चेयर्स हैं, तो आप 2 रेक को नहीं लेते, 5 चौके 20 और 30 60 मेरा बिल्कुल सही उत्तर होता है इसका। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बिकॉज यहाँ पे कुछ अलग और नया मिलेगा आपको हमेशा। चलिए बच्चों, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका ना यूपीएससी 2022 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द लेटर ए बी सी डी ई आर अरेंज इन सच अ वे दैट देर आर एग्जैक्टली 2 लेटर्स बिटवीन ए एंड ई, हाउ मेनी सच अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। वो कह रहा है कि मेरे पास 5 लेटर हैं भाई, वे 5 लेटर्स ए बी सी डी एंड ई, ये 5 लेटर्स अरेंज इन सच अ वे दैट देर आर एग्जैक्टली 2 लेटर बिटवीन ए एंड ई। इट मीन्स व्हेन यू आर अरेंजिंग दिस 5 लेटर्स एटलीस्ट 2 लेटर्स और एग्जैक्टली 2 लेटर्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू। Exactly means exactly 2. It means if A is that, then only 2 person within, or you can say that between A and E. Okay? समझिए इस बात को। Exactly का मतलब क्या कि 2. At least का मतलब क्या है, 2 से 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, जितने भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब समझिए, यहाँ पे exactly बोला है। So अगर मैंने पहली कंडीशन में सपोज करो मैंने A को यहाँ लिया, यहाँ पे कोई लेटर नहीं आएगा, यहाँ पे कोई लेटर नहीं आएगा, फिर यहाँ पे एक लेटर आ गया, एक कंडीशन होगी, और यहाँ पे एक जो बचेगा वो आएगा। ठीक है, नंबर 2 1 2 3 4 5। सपोज करो अब यहाँ पे मैंने ए को नहीं लगाया, मैंने ए को यहाँ लगाया, तो यहाँ पे इन दोनों पे कोई नहीं आएगा और ई यहाँ पे आएगा। मैं ए और ई में से किसी एक को 2 पोजीशन पे प्लेस कर सकता हूँ, बिकॉज अगर मैंने 3 पे प्लेस किया ना, सपोज करो आप कहते हो सर 3 पे प्लेस करके दिखाओ मुझे ज़रा, तो क्या हुआ, अगर मैंने ए को प्लेस किया यहाँ पे तो मैक्सिमम ई यहाँ आ सकता है या ई यहाँ आ सकता है, तो इनके बीच में सिर्फ और सिर्फ एक लेटर ही आएगा, तो जो कि बहुत गलत हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बिकॉज मुझे 2 चाहिए इनके बीच में। डन, सो होपफुली दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो ज़रा नंबर 3 पे क्या हो सकता है। अगर ए यहां पे है तो क्या ए ई को रिप्लेस कर सकते हैं, यस। इसका मतलब यहां पे आ गया ई, ए और ये, और नंबर 4 पे क्या हुआ, ई क्रॉस क्रॉस एंड ई। होपफुली दिस अरेंजमेंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्लियर, दिस अरेंजमेंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब देखो जैसे पिछला क्वेश्चन किया ना, उसका बेस मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। देखो मेरे पास मैं एक ही समझाऊंगा, बाकी 3 सिमिलर एंड साइमल्टेनियसली ऐसे ही होंगे, ध्यान रखिए थोड़ा सा। देखिए अब बेटा देखो मेरे पास क्या है, ए और ई है, ए और ई को मैंने फिक्स कर दिया, तो मेरे पास कितने लेटर्स बचे, 3, और प्लेस भी कितने हैं, 1 2 3। तो क्या इनको मैं 3 फैक्टोरियल वेज यानी हाउ मच, 3 × 2 × 1 यानी 6 वेज में कर सकता हूँ। यस, दिस 3 लेटर्स कैन बी अरेंज इन 3 फैक्टोरियल वेज विच इज इक्वल टू 6 वेज। सो अगर यहाँ से मेरे पास 6 वेज आए, यहाँ से 6 आए, तो यहाँ से भी डेफिनेटली 6 आएंगे, बिकॉज मुझे सिंपल अरेंज करना है, कहीं पे किसी डिजिट को या किसी नंबर को रखूँ कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, किसी लेटर को रखूँ या, तो यहाँ पे भी कितना आएगा, 6, और यहाँ पे भी कितना आएगा बेटा मेरे पास, 6। तो टोटल कितना हो गया, 6 + 6 + 6 + 6 which is equal to how much, 24. That was वेरी आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। तो क्योंकि ये लेटेस्ट स्टैंड का क्वेश्चन था तो थोड़ा हटके था, ठीक है, कि एटलीस्ट हो सकता है, एग्जैक्टली हो सकता है, एटलीस्ट होगा तो उसका केस भी करेंगे जब आएगा, क्लियर। उसके हिसाब से फिर ऑप्शंस को हमें देखना पड़ेगा। चलिए लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम यूपीएससी 2022। देयर इज अ न्यूमेरिकल लॉक which has 3-digit pin. The pin contains digit 1 to 7. There is no repetition of digits. It means मेरे पास क्या है? We have a lock in which 7 digits are given 1 to 7, and we have only 3-digit lock. No number is repeated. There is no repetition of digits. The digits in the pin from left to right are in decreasing order. Left to right. It means लेफ्ट टू राइट, मतलब जब आप ऐसे जाएंगे तो डिक्रीज होएगा नंबर। इट्स अ वैलिड, ठीक है। एनी टू डिजिट्स इन द पिन डिफर एटलीस्ट बाय 2, मतलब कोई 2 नंबर हैं जो 2 से कम उनके बीच का डिफरेंस या अंतर 2 होना चाहिए। हाउ मेनी मैक्सिमम अटेम्प्ट्स डज वन नीड टू फाइंड आउट द पिन विद सर्टेनिटी। आउटस्टैंडिंग, कैसा बढ़िया क्वेश्चन। देखो अब ध्यान से सुनो मेरी बात। देखो इसके अंदर क्या केसेस बन सकते हैं, क्योंकि उसने क्या बोला है कि मेरे पास जो डिजिट्स का डिफरेंस है 2 तो होना चाहिए मिनिमम, ज़्यादा भी हो सकता है बट 2 तो मेरे पास होना ही चाहिए। तो पहले 2 को ही बनाओ। देखो सबसे पहले केस वन क्या होगा स्टूडेंट्स? मेरे पास वन एट लास्ट पोजीशन। देखो सबसे पहली बात मैं क्या कह रहा हूं, पहले 1 को रखो लास्ट पोजीशन। देखो आपने अगर 1 को यहां पे रखा तो डिजिट का डिफरेंस कितना चाहिए? 3 चाहिए। क्या 1 3 5 एक नंबर का लॉक हो सकता है? सोच के देखिए। 1 3 5 कैन बी अ कॉम्बिनेशन, यस। उसने बोला लीस्ट एटलीस्ट बाय 2। नेक्स्ट देखो, अगर मैं यहाँ पे रखूँ 1 3 एंड 6, अभी भी एटलीस्ट 2 है ना। एटलीस्ट का मतलब कम से कम 2 चाहिए, 2 से बड़ा भी हो सकता है मेरे पास। ये समझ ही नहीं पड़ेगी आपको कि कम से कम 2 चाहिए, 2 से बड़ा भी नंबर हो सकता है मेरे पास, 3 भी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, अगर ये 1 है, ये 3 है, तो क्या ये 7 हो सकता है? 1 3 7, यस। दीज 3s आर वैलिड कॉम्बिनेशन इन टर्म्स ऑफ 1। तो क्या यही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? इनको छोड़ के कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। लेट मी ट्राई 1 अगेन। तो 3 तो ये हो गए मेरे पास, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे कर दूं मैं। देखो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या बनेगा मेरे पास। अगर मैंने यहाँ पे 1 रखा, क्या यहाँ पे 4 रख सकता हूँ मैं? यस। और 6 रख सकता हूँ, बिल्कुल, ये भी एक वैलिड कॉम्बिनेशन है। 1 4 3 और 6 4 2, तो एटलीस्ट 2 4 और 6 को अगर मैं देखूँ तो, ठीक है। देखो नेक्स्ट मेरे पास, अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है? अगर मैं यहाँ पे 1 रखूँ तो क्या मैं यहाँ पे, देखो जैसे मैंने यहाँ पे किया, अगर मैं यहाँ पे 4 रखे, यहाँ पे 7 रखूँ, चलेगा? चलेगा। एटलीस्ट 2, कम से कम 2 चाहिए, 3 भी चलेगा। तो 1 को लेके ये जो मेरे पास अभी तक केसेस हैं ये बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, क्लियर और स्पष्ट होने चाहिए। लास्ट कॉम्बिनेशन क्या बनेगा मेरे पास? ये 1 है, ये 5 है और ये 7 है। देखो यहाँ पे 2 आ रहा है एटलीस्ट। तो 1 को लेके मेरे पास कितने नंबर ऑफ केसेस बने? 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं मिटा नहीं रहा इसको बिल्कुल भी। इसको अच्छे से आपको नोट करना और क्वेश्चन को समझना अच्छे से, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना अपने चैनल को, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से करवा रहा हूँ भाई, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए जरा। अब अगर मैं, अब देखो केस 2 क्या मेरे पास? 2 एट लास्ट पोजीशन। देखो अगर यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 4 आया, 6 आ सकता है? आ सकता है, ठीक है। 2 आया, 4 आया, 7 आ सकता है। सिंपल, जो क्वेश्चन में लॉजिक मुझे बताया गया है मुझे उसी लॉजिक पे चलना है बस, क्लियर, जल्दी से नोट कर लीजिए। अब नास देखो, अब क्या मेरे पास और कोई केस बन सकता है? अगर यहाँ पे 257 लिखूं, 257 इसको छोड़ के आई डोंट थिंक सो कि कोई वैलिड मेरे पास कॉम्बिनेशन बनने वाला है यहाँ। क्लियर, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं आप जरा। क्लियर, अब मेरे पास एक केस बच गया, वेन लास्ट डिजिट थ्री। देखो अगर थ्री है, तीन और दो पाँच, पाँच और दो सात, इस केस में सिर्फ एक ही बनेगा। तो यहाँ से कितने केस बने? तीन। तो बेटा छः, तीन, नौ और एक, दस। तो आंसर कितना आ गया? ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो देख सकते हैं यूपीएससी 2022 में कितना बढ़िया क्वेश्चन आया हुआ है। बट दीज आर सम डिफरेंट लेवल क्वेश्चंस। ओके, चलिए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, इन हाउ मैनी ऑफ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर इन मिसिसिपी डू द 4s नॉट कम टुगेदर? देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, जब ये ऐसे क्वेश्चन हो ना तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या बनते हैं? देखो टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या बनेंगे? एल एस एस टुगेदर प्लस नॉट टुगेदर। इस बात का ध्यान रखो कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या बनेंगे। अब देखो वर्ड क्या मेरे पास, मिसिसिपी, MI SSI एंड BPI, यही वर्ड है मेरे पास मिसिसिपी। ठीक है, अब 4s बराबर आएंगे। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ केसेस निकालो। देखो कैसे निकालेंगे, कितने वर्ड्स हैं बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 फैक्टोरियल। और रिपीट क्या क्या हो रहा है? देखो मेरे पास 4s इंटू ऑफ 3i और 4i है, 3 ही 4 और 2p। ठीक है, ये आगे भाई अपने पास टोटल नंबर ऑफ केसेस। ठीक है, अब इन केसेस को पहले सॉल्व कर लें। इसको देखो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1 इंटू ऑफ 2। ठीक है, देखो 4 फैक्टोरियल से भाई 4 फैक्टोरियल कट गया, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। तो कितना बचा? 11 गुना 10 गुना 9 गुना 7 गुना 5। अल्टीमेटली मेरे पास ये बच गया। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। अब मेरे पास क्या है? डू नॉट। अब सारे के सारे एस जब बराबर होंगे, देखो क्या आएगा मेरे पास, ऑल एस टुगेदर। वैसे एक ही एस आना चाहिए, अब एस एस क्यों लिखा हुआ? देखो भाई MI SSI SSI PPI। ठीक है, ऑल एस टुगेदर। तो भाई ऑल एस टुगेदर करो, कैसे आएगा? MI 4i है ना? हाँ 4i है, PP 1 2 3 4 और PP और ये क्या S कितने हो गए? 4 8 9 10 11। ठीक है, अब देखो जरा इसको एक बॉक्स में रख दो, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये कितना हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल बटा 4 फैक्टोरियल यानी 1 आ गया। इसको मुझे अच्छे से सॉल्व करना है। देखिए, अच्छा इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है मेरे पास? देखो ये कितना आ गया भाई, देखो 9 सत्ते 63, देखो 9 सत्ते 63, 63 गुना 5 कितना आ गया? 315। 315 × 11 यानी 3150315 यानी 5643 इतना आ गया 34650। ठीक है जी 34650 इससे छोटा तो एक ही आंसर दिख रहा है मुझे, तो क्या यही आंसर है मेरा? लेट मी चेक इट। क्योंकि मुझे अब जो मेरा 34650 है इसमें कुछ माइनस करना है, तो इससे छोटा तो मेरे पास एक आंसर 33810। तो देख लेते हैं जरा, देखिए ये कितना आएगा 8 × 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल × 2 × 1। तो बेटा 4 से कटा 4, किसको काट के फायदा होएगा? देखो 2 3 6, तो ये कितना होगा 56 × 15, तो ये कितना होगा 560 और इसका हाफ कितना हो गया 280, तो 0 4 840 हो गया। तो इसमें से 840 माइनस कर दो, देखो 50 में से 40 गए 10, ओके। तो 346 में से 8 गए, कितना बचा मेरे पास 338। सो 33810 इज द राइट आंसर। कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन थी अच्छी खासी इसमें, क्लियर? सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। चलिए, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड डिटेल बी अरेंज इन सच अ वे दैट वोवल्स ऑक्यूपाई ओनली द ऑड पोजिशन? बिल्कुल आसान है। देखो सबसे पहली बात मुझे पता होना चाहिए वोवल मेरे ए ई आई ओ यू होते हैं, बाकी सारे कॉन्सोनेंट। ठीक है, डी ई टी ए आई एल 6 हो गए। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड डिटेल बी अरेंज वोवल? देखो वोवल कौन कौन से हैं, ई ए आई, ओनली ऑड पोजिशन। मतलब अगर मैं इसको बे बोल दूँ 1 2 3 4 5 और 6, इसका मतलब मेरे पास 1 3 और 5 है, 3 पोजिशंस हैं जहाँ पे मैं मेरे कितने वोवल्स हैं, 3 वोवल्स को रख सकता हूँ। तो ये कितना आएगा 3 फैक्टोरियल, बचे पोजिशन पे भी क्या आएगा 3 फैक्टोरियल। तो 6 × 6 इज आंसर, इज ऑप्शन नंबर सी 36 इज द राइट आंसर ऑफ दिस ब्रिलियंट क्वेश्चन। क्लियर? सो बहुत मज़ा आया मुझे ये सेशन करके, आप लोगों को भी समझ के बहुत अच्छा लगा होगा, खासकर वो लॉक वाला क्वेश्चन और जो पिछला मिसिसिपी वाला क्वेश्चन, दिस वर टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और 2 क्वेश्चन हमने 2022 के एग्जाम से लिए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। इसकी नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, इसके 2 पार्ट में खत्म करेंगे इसे हम। नेक्स्ट पार्ट में और भी अच्छे क्वेश्चन आएंगे। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए। और आपके पास जो भी डिटेल्स हैं, सब की सब डिटेल्स कहाँ दी होंगी? आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्लियर? अब एक इंपॉर्टेंट थिंग चलिए स्टूडेंट्स, अब मेरे पास एक इंपॉर्टेंट थिंग है, वो है मेरे पास माइक्रो कोर्सेज। व्हाट आर माइक्रो कोर्सेज? देखिए होता क्या है, कई बार पहले आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना चाह रहे हैं, जैसे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया, आपका नंबर सिस्टम हो गया, आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया, अप्रॉक्सीमेशन। तो अगर सिर्फ ये टॉपिक आपसे करने हैं तो कैसे करेंगे? हाउ विल यू डू दिस क्वेश्चन? तो माइक्रो कोर्सेज आर द बेस्ट वे टू डू दिस पार्ट। और ये अभिमन्यु IAS की बहुत अच्छी पहल है। ये अगर आप पूरा कोर्स नहीं करना चाहते तो यू कैन फोकस ऑन माइक्रो कोर्सेज। कि जिसने ऑलरेडी किया वो कह रहा है मुझे पूरा कोर्स नहीं करना, तो यू कैन डू ऑल्सो माइक्रो कोर्सेज, जो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए इसमें क्या है मेरे पास, मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उस एग्ज़ाम हमारा सिविल सर्विसेज CSAT एग्जाम। देखिए मेरे पास सबसे पहले है मेरे, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है मेरे पास, आपको कहीं नहीं जाना, यहाँ पे अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालिए और साइड में आपको पॉपअप भी दिख रहे हैं, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जुड़िए। यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आती है, कुछ भी आता है CSAT का। ठीक है, यहाँ पे 10 डिजिट का आपको मोबाइल नंबर है। आप कॉल मी या व्हाट्सएप, जैसे कंफर्टेबल है, टीम आपके साथ वैसे ही जुड़ेगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है, देखिए जैसे मैं बात करूँगा मैथ एंड मेंटल एबिलिटी की, पहले अगर आप पूरा बंडल खरीदेंगे तो 3349 रुपीज़ का, ठीक है 3349 रुपये का। बट अगर आप सिर्फ और सिर्फ नंबर सिस्टम करना चाहते हैं, आप कहेंगे सर सिर्फ नंबर सिस्टम करना है, अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, बिकॉज 20+ क्वेश्चन मिनिमम आ रहे हैं आपके पास, 20 क्वेश्चन मिनिमम आ रहा है। तो कितने रुपये का? 21.8, ऑलमोस्ट 22% आपके पास यहाँ से आ रहा है। बट लास्ट ईयर की अगर बात करूँ 25% से ज़्यादा आया था। तो ये आपके पास 324 रुपीज़ का और 10 लेक्चर्स हैं, 10 वीडियो लेक्चर्स हैं इसके अंदर। आपके पास 9 वेब नोट्स हैं और 421 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर के साथ आपको दिए हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मेरे पास सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के 15 से 16% क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ 114 का 4 लेक्चर्स हैं, 4 वीडियो लेक्चर्स हैं, साथ में एक वेब नोट्स है जिसमें पूरी इसके थ्योरेटिकली बता रखा होगा और 117 एमसीक्यू। नेक्स्ट है जैसे परसेंटेज कोर है अर्थमेटिक, बिना परसेंटेज के आप कर ही नहीं सकते, आपके पास 9% आता है और 167 रुपीज़ का और 4 लेक्चर्स हैं। इसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिलीव मी, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको कुछ भी करने की। ऐसे ही हर एक चैप्टर का, हर एक पार्ट का अच्छे से एनालिसिस करने के बाद, बिकॉज ये परसेंटेज वाला डाटा आपको कहीं नहीं मिलेगा कि इतने परसेंट आए, इतने परसेंट आए। क्लियर? और जैसे मैं बात करूँ नेक्स्ट की, जैसे लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिक आपकी एबिलिटी, पूरा बंडल 2622 का है, ठीक है। बट अगर सिर्फ आपको पजल टेस्ट करना है तो 21% आए 245 का, 17 लेक्चर 17 लेक्चर हैं, 17 लेक्चर सोच के देखिए। 245 में 17 लेक्चर है, 7 वेब नोट्स और 270 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। सो दैट इज द ब्यूटीफुल कंसेप्ट ऑफ माइक्रो कोर्सेज बाय अभिमन्यु IAS। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए। थैंक यू।